हम मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया, तो मैं वहाँ काम करती थी, वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी, बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो? मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी मैम कहती, उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है, फुल के तारिया से जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में, तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना, वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं, वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रहे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए, तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था, वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसॉर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था, लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था, गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है, मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है फुल की तारिया ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में, बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी। क्या कभी आपने इस चीज की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज सोची थी, क्योंकि फुल के तारिया ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो, रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो। सर पूरा मसला ये हुआ था, स्टार्टिंग में जब हम वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे, और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से एक महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी, और एक महीने बाद जॉब छोड़ने के बाद में जो है हमने जब वहाँ से जॉब छोड़ दी, तो हमारे पास फिर काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, फुल की तारिया की भी, अंकित की भी, और सौरभ भास्कर जी की भी, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई। और वो कॉल एक हफ्ते तक हम जो है उनके वहाँ वापस नहीं गए थे जॉब करने के लिए। तो एक हफ्ते तक कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये जब जो सब चीज़ें हैं जो गलत हुआ है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज के बाद आप आइए यहाँ पर वर्क काम कीजिए, और जो आपकी सैलरी है हम उसको भी बढ़ा देते हैं, और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी अब। तो हम जो है एक हफ्ते बाद वहाँ पे हम दोबारा वापसी गए, और वापसी जाने के बाद कुछ दिन उनका व्यवहार वहाँ पर ठीक रहा, और कुछ दिन के बाद में जब हमारा मतलब 1.5 महीना कंप्लीट हो गया, तो हमने उनको सैलरी के लिए बोला कि सर हमें सैलरी दे दीजिए, और वहाँ से हम जॉब छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि जो उन्होंने हमसे बोला था कि यहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब चीज़ें अब नहीं, मतलब कि जैसे कि नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो वो काम था पुलकित आर्य का। तो हम जो है इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे, तो हमने जब उनको बोला 1.5 महीने बाद कि हमें सैलरी दे दीजिए, जो भी हमारी सैलरी बनती है अब तक की, वो हमें सैलरी हमारी प्रोवाइड कराइए, और हम जो है यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है। हमने कहा हाँ जी, हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें, और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया, और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब हमारे साथ, फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की काफ़ी ज़्यादा। पर फिर उसके बाद में मैंने रिजॉर्ट से बाहर गया, और बाहर जाके मैंने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस को हमने जितनी भी जगह मतलब हरिद्वार थाने भी कॉल किया हमने, और फिर ऋषिकेश थाने भी कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि वो पटवारी क्षेत्र है, वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है,
तो आप पटवारी जी से बात कर लीजिए, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। तो हमने पटवारी जी से बात करी और पटवारी का हमें पहले ही पता था, तो हम उसे बात करने में डर भी रहते, पर हमने कहा क्या पता कि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद हमारे साथ वो न्याय करेगा। तो हमने उसको कॉल मिला दी और हमने उसको बुला लिया। पर क्या है, उनकी पहले ही जो है दोस्ती थी और वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की थी। तो वो अपना आए वहाँ पर, हम ऊपर चाय पीने गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसा है आप नीचे आ जाओ, मैं जो है रिसोर्ट में पहुँच चुका।